भारद्वाज एजुकेशनल वीडियो पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, कोरोना 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 ने दुनिया के अंदर हाहाकार मचा रखा है, एक भय का आतंक का माहौल पैदा कर दिया है। दोस्तों, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हैं इन्हें आप जानते हो, अखबार में पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो आप, टीवी पर ढेर सारी बातें आ रही हैं, पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका भी पॉजिटिव पहलू भी है। कोरोना से हमें कौन से पॉजिटिव पक्ष नज़र सामने आते हैं, मैं इन्हें आपके सामने रख रहा हूँ, इन्हें आप ध्यान से समझें और सुने। पहला पॉइंट, पॉल्यूशन। दुनिया के 30 जो पोल्यूटेड शहर हैं उनमें से 21 शहर इंडिया के हैं। उस पर हमारे अरबों खरबों रुपये खर्च होते थे और अधिक बीमारी पैदा होती थी, आज उसमें सुधार हुआ है। दूसरा पॉइंट, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इसका स्टैंडर्ड नॉर्म है, उसे 10 times हमारे यहाँ था एयर पोल्यूशन। आज हमारा एयर पोल्यूशन बिल्कुल साफ सुथरा हुआ नज़र आता है। एयर पोल्यूशन से जो हमारी सांस संबंधी बीमारी होती थी, टीबी वगैरह, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट, बेहद। अगला, रोड्स, गलियाँ व सड़कें पर गंदगी का भरमार नज़र आती थी, वो आज कहीं नज़र नहीं आती। आज हमारी रोड्स, गलियाँ, सड़कें साफ नज़र आती हैं। पॉइंट नंबर 4, नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, जिससे हमें माइग्रेन, बीपी, टेंशन, दुनिया भर की बीमारी होती थी हमारी माइंड से जुड़ी हुई, उनमें आज नॉइज पॉल्यूशन 0। पॉइंट नंबर 5, जो मन चले लड़के घूमते रहते थे सड़कों पर, आवारागर्दी करते थे, ऐसी घटनाएं 0 हो गई आज। पॉइंट नंबर 6, जो जेब कतरे हमारी मेहनत की कमाई को काटते थे, जेब त्रासकी की घटनाएं 0। पॉइंट नंबर 7, देश के अंदर हजारों हत्याएं और मर्डर होते थे निरपराधों के, उनकी संख्या आज 0। पॉइंट नंबर 8, जो हमारे समाज के अंदर अनसोशल एलिमेंट थे जो इस तरह की घटनाओं में संलग्न रहते थे, जैसे रेप वगैरह, इस तरह की घटनाएं, संख्या 0। अगला पॉइंट नंबर 9, हमारे परिवारों में, घरों में जो आपसी झगड़े होते थे छोटी मोटी बातों में, पत्नी में, भाई बहन में, इस तरह की घटनाएं खत्म। आज हमारे देश के अंदर फैमिली बॉन्डिंग्स मजबूत हुई है, स्ट्रांग हुई है। अगला पॉइंट नंबर 10, हमारा इंडिया फ्यूल 80% भारत जो है बाहर से मंगाता है, खाड़ी कंट्रियों से, और हमारे यहाँ पर पेट्रोल की कीमत नहीं समझते, उसमें हमारे खरबों डॉलर बच रहे हैं देश के आज हमारे। पॉइंट नंबर 11, आतंकवादी घटनाएं 0, आतंकवादी कोरोना की डर की वजह से गुफाओं में छिप गए जा करके। पॉइंट नंबर 12, पॉलिटिकल पार्टियां देश की हमारे छोटे छोटे मुद्दों पर आपस में लड़ती थी, झगड़ती थी, चाहे वो कितना भी सेंसिटिव मुद्दा हो, आतंकवाद का, नेशनल सिक्योरिटी का, आज सभी पार्टियां एक हो गई हैं कोरोना से लड़ने के लिए। पॉइंट नंबर 13, इंडिया में धार्मिक झगड़े दंगे फसाद आए दिन होते रहते थे, आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई का एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 14, पुलिस केस और कोर्ट केस की संख्या 0। पॉइंट नंबर 15, रोड एक्सीडेंट और रेलवे एक्सीडेंट में हजारों परिवार बिखरते थे, उजड़ते थे, आज ऐसे केसों की संख्या 0। और पॉइंट नंबर 16, इम्पोर्टेंट, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का हम स्लोगन अखबारों पढ़ते थे या मीडिया में देखते थे, पर इसका महत्व क्या है आज समझे इसको हम। और प्रिय देशवासियों, यदि आपको और भी लगता हो तो और भी हमारे इसके पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं तो मुझे आप बताइए, शेयर कीजिए मेरे साथ, कमेंट कीजिए। और इसके साथ मैं एक बात कहूँगा दोस्तों आपसे, मैं हमारे देश के बारे में कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमने 136 करोड़ भारत वालों करके दिखा दिया इसे कि हम यूनाइटेड एक हैं, कोरोना को हराएंगे हम। राज कपूर ने एक फिल्म में कहा था कि रुकना मौत की निशानी, चलना जीवन की कहानी, हम चलेंगे चलेंगे, रुकेंगे नहीं, हम कोरोना को हराएंगे, जीतेंगे हम। और अपने कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी फायदे हों तो कमेंट में भेजें जरूर, देश हित में, समाज हित में, अपने हित में, सभी के हित में। जय हिंद, जय भारत।